Hello students, I am Gunjan Tandon. Welcome to my channel Gunjan Gurukul. Student, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन. आज इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर. इस टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. बहुत छोटा सा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. लेट्स मूव ऑन. देखते हैं क्या है थ्रस्ट एंड प्रेशर. सबसे पहले यहाँ पर देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाइन से दिए गए हैं. हैव यू वंडर्ड Why a camel can run in a desert easily? ये हो गया first question. कि क्या कभी सोचा है कि एक camel desert में, मतलब राजस्थान में sand पे कैसे easily दौड़ सकता है. Second question arise है यहाँ पे, Why an army tank weighing more than 1,000 ton rests upon a continuous chain? कि कैसे एक आर्मी का जो टैंक है वो 1,000 ton का वेट जो है वो चेन के साथ कैसे खींच लेता है. Why a truck और a motor bus has much wider tires? जितने भी ट्रक और मोटर बस हैं उनके टायर्स जो हैं वो वाइड क्यों बनाए जाते हैं, राइट. फोर्थ हो गया यहाँ पे हमारा, Why cutting tools have sharp edges? जब भी हम कोई चाकू वगैरह देखते हैं, जो हमारे चॉपिंग वाले नाइफ होते हैं, जो ब्रॉडर जिनका एरिया होता है, हम हमेशा सोचते हैं कि ये इनके एजेस इतने शार्प क्यों हैं, राइट. अब इन्हीं सारे जो ये 4-5 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर मन में आ रहे हैं, क्यूरोसिटी जगा रहे हैं, इसको देखने के लिए हमें थ्रस्ट एंड प्रेशर को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा. इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड द फिनोमिना इन्वॉल्व, इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट्स ऑफ नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कंसर्न. यानी ये सारे क्वेश्चंस की जो एक हमारी जानने की जो एक इच्छा है ना, उसको समझने के लिए हमें दो फिनोमेना पढ़ने पड़ेंगे. थ्रस्ट है ना, कि थ्रस्ट बेसिकली क्या है, क्या है वो, एक फोर्स है ना, और वो फोर्स जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं तो कितना प्रेशर हमें लगाना पड़ रहा है. ये सारी चीज़ें, मतलब थ्रस्ट एंड प्रेशर क्यों, कहाँ से अराइज हो रहा है, ये अभी इस चैप्टर में इन सारे क्वेश्चंस का जो है आंसर जब हम पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा. उसके लिए सबसे पहले देखते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग सिचुएशन. ये देखो दो सिचुएशन यहाँ पे दी गई हैं. ये फर्स्ट में क्या है, देखो एक जो ये बॉय है, ये एक उस पर बोर्ड पर है ना, वुडन बोर्ड है, उसके ऊपर एक पेपर लगा रहा है ना, एक चार्ट पेपर लगा रहा है. और नेक्स्ट इमेज में यहाँ पे दिखाया गया है कि वो जो थंब पिन्स आती है ना, जब हम बोर्ड पर कोई भी पेपर को मतलब स्टक करते हैं ना, लगाते हैं उसको, पेनिट्रेट करते हैं उस बोर्ड, जो नेल होती है ना जिसका पॉइंटेड एंड होता है, और ऊपर से जो कवर होता है वो प्लास्टिक का या समटाइम्स आयरन का भी होता है, तो उसको लगाते हुए देखो ये दो इमेजेस दिखाई गई हैं कि एक वुडन बोर्ड पर एक बॉय जो है एक चार्ट पेपर लगा रहा है और उसको चारों तरफ जो है पिन से वो उसके अंदर जो है उसको फिक्स कर रहा है, राइट. ये हो गई फर्स्ट सिचुएशन. देन सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, इफ़ यू स्टैंड ऑन अ लूज सैंड योर फीट गो डीप इन टू द स्टैंड. जब हम किसी सैंड पर खड़े होते हैं, जब भी हम किसी सी एरिया के जाएं, हमने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आपने भी किया होगा कि जब हम सैंड पर खड़े होते हैं ना, तो हमारे पैर जो है नीचे की तरफ सैंड में धंसने लगते हैं. हमें ऐसा फील होता है कि हमारी बॉडी जो है सैंड में अंदर की तरफ जो है वो जा रही है, हमारे पैर जो है बालू के अंदर जा रहे हैं. नाउ लाई डाउन ऑन द स्टैंड. अगर जब हम सैंड पर लेट जाते हैं, देन यू विल फाइंड What your body will not go, that your body will not go deep in the sand. लेकिन जब हम लेट जाते हैं उसी सैंड पे, तो हम देखते हैं हमारी बॉडी सैंड में अंदर की तरफ उतनी नहीं जा रही है जितना कि जब हम खड़े होते हैं, तो हमें फील होता है कि हमारी बॉडी अंदर की तरफ, सैंड में अंदर की तरफ जा रही है, राइट. इन बोथ केसेस द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द सैंड इज वेट ऑफ योर बॉडी. दोनों ही केस में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी जो है एक फोर्स एग्जर्ट कर रही है सैंड पर. हमने पढ़ा था ना वेट क्या होता है, वेट वो होता है जो हमारी बॉडी है ना वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगाती है, यानी अर्थ पर लगा रही होती है, यानी अर्थ की जो ग्रेविटी है वो जब हमें खींचती है ना. हाँ, जो ग्रेविटेशन फोर्स हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, तो वहाँ पे जब हमने मास एंड वेट को डिस्कस किया था, तो वेट क्या था, वेट इज़ द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, वही वेट. तो यहाँ पर भी जो हमारी बॉडी एक फोर्स एग्जर्ट कर रही है सैंड पर, व्हेन वी स्टैंड और व्हेन वी लाई डाउन, दोनों ही केस में हमारी बॉडी जो है एक फोर्स के साथ जो है सैंड पर
मतलब एक फोर्स अप्लाई कर रही है, प्रेशर अप्लाई कर रही है, जो क्या है हमारा वेट ऑफ द बॉडी, राइट। तो ये क्लियर हो गया, वेट हमने पढ़ा था। हेयर द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द सैंड। जब हम खड़े हैं, जो फोर्स जब हम लग रहा है हमारी बॉडी से और सैंड के ऊपर, वो क्या है, वो परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द सैंड है। परपेंडिकुलर मीन्स इस तरीके से, वर्टिकली डाउनवर्ड, इस तरह से लग रहा है, ठीक है। ये अगर हमारे लेग्स हैं, है ना, ये हमारे लेग्स हैं, शूज़ हैं, और इस तरीके से जो है एक फोर्स परपेंडिकुलर टू द अर्थ, सैंड पर जो लग रहा है वो परपेंडिकुलर लग रहा है, राइट। द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर द सर्फेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर, है ना, लग रहा है वो क्या कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है। कब कहलाता है, जब उस ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर लग रहा है। तो यानी क्या हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सर्फेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, है ना। तो थ्रस्ट की डेफिनेशन हमें यहाँ पर क्लियर हो गई कि जब हम सैंड पर सीधे खड़े हो रहे हैं तो क्या होता है, वी फील कि हम सैंड के अंदर थ्रस्ते जा रहे हैं, है ना, हमारे पैर जो है डीपली उसमें जो है अंदर की तरफ जा रहे हैं। वो किसकी वजह से होता है, थ्रस्ट, यानी जो एक फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी हमारी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो परपेंडिकुलर लगता है, यानी इस तरीके से, है ना। तो वो क्या हो गया, थ्रस्ट। सेम इज़ द केस विद दैट बॉय, जो यहाँ पर थम पिन से, जो अपने थम से पिन को इंसर्ट कर रहा है वुडन बोर्ड में, मतलब और चार्ट को फिक्स करने के लिए, तो वो भी क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो इस तरीके से जो है वो परपेंडिकुलरली जो है इसको प्रेशर के साथ अंदर की तरफ घुसा रहा है ना, वो उस पर फोर्स लगा रहा है। तो ये भी एक थ्रस्ट का आपका एग्जाम्पल हो गया, राइट। तो थ्रस्ट समझ में आ गया, थ्रस्ट द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर द सर्फेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। ये देखो यहाँ पर जब हम खड़े होते हैं तो देखो किस तरीके से यहाँ पे लार्ज थ्रस्ट लग रहा है ना। अब लार्ज थ्रस्ट, स्मॉल थ्रस्ट, लार्ज स्मॉलर एरिया, लार्जर एरिया, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। और जब हम लेट जाते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे हमारी बॉडी जो है पूरी तरह से सैंड के अंदर नहीं जा रही है। यहाँ पर भी वेट लग रहा है, यहाँ पर भी वेट लग रहा है, यहाँ पर वेट क्या है, परपेंडिकुलर लग रहा है, यानी जो हमारी बॉडी का वेट है वो पूरी तरीके से जो है अर्थ पर लग रहा है, उस सब सर्फेस पर लग रहा है जिस पर हम खड़े हैं, राइट। आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको और क्लियर करते हैं। व्हेन यू स्टैंड ऑन लूज सैंड द फोर्स दैट इज वेट ऑफ योर बॉडी इज एक्टिंग ऑन एन एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ फीट। यानी जब हम सैंड पर खड़े होते हैं, फोर्स क्या है, वही हमारी बॉडी का जो वेट है, जो कहाँ पे लग रहा है, हमारी दैट इज एक्टिंग ऑन एन एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ द फीट। ये देखो यहाँ पे अब हम लार्ज थ्रस्ट और स्मॉल एरिया को समझते हैं, यानी ये जो हमारे शूज़ है ना, ये हमारी बॉडी है। इस तरीके से जब हम खड़े हैं तो ये हमारे पैर जो हैं इनसे देखो बहुत कम एरिया का, एक मतलब जो हमारा कॉन्टैक्ट जिस सरफेस से बन रहा है, वो जो एरिया कवर कर रहे हैं वो हमारे शूज़, वो बहुत ही स्मॉल एरिया है, राइट। तो यहाँ पर जो है जब हम लैंड सैंड पर खड़े होते हैं ना, तो जो एक थ्रस्ट, जो एक फोर्स लग रहा है वो एक स्मॉल एरिया कवर्ड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक इसको समझो कि स्मॉल एरिया यानी हमारे शूज़ जो है ना, वो एक उसका जो कॉन्टैक्ट है वो सरफेस पर, सैंड पर जो है वो कम है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, तो लार्ज थ्रस्ट लग रहा है। कैसे, क्यों, क्योंकि ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है। कैसे, आइए इसको भी समझते हैं। देन व्हेन यू लाई डाउन द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन एन एरिया इक्वल टू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ होल बॉडी विच इज लार्जर देन द एरिया ऑफ योर फीट, है ना। अब ये देखो नेक्स्ट इमेज में फिर देख लो कि जब हम लेटे हुए हैं ना, लेटने के बाद क्या है, ये हमारा एरिया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्फेस जो है बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो जो हमारी बॉडी का वेट है, जो फोर्स ऊपर से लग रहा है वो भी कम हो गया, यानी थ्रस्ट कम लग रहा है। थ्रस्ट बेसिकली क्या है, वही फोर्स है जो परपेंडिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है ना, किसी सरफेस पर वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो जब हम लेट जाते हैं तो हमारे बॉडी का जो है प्रेशर कम लगता है, क्यों, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा ज़्यादा है किसी भी सरफेस पर और सैंड पर, ठीक है, विच इज़ लार्जर देन द एरिया ऑफ योर फीट। Thus the effects of force of the same magnitude on different areas are different. यहाँ पे हमने देखा फोर्स, दोनों ही केस में फोर्स काम कर रहा है, when we stand और when we lie down, with the same magnitude, but different areas are different, means different contact area, जितना area वो cover कर रहा है वो different है, right? In the above case, thrust is the same. थ्रस्ट दोनों केस में
सेम है आपका, बट इफेक्ट्स आर डिफरेंट. दोनों के इफेक्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं. क्यों? देयर फॉर द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स. थ्रस्ट यानी किस पे डिपेंड करता है? उस एरिया पर, है ना, जहाँ पर, मतलब जिस जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है थ्रस्ट उस पर डिपेंड करता है. जब हम खड़े होते हैं तो हमारे शूज़ जो है उनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम बन रहा है सैंड पर, तो क्या हो रहा है, लार्ज थ्रस्ट लग रहा है ना, पूरी तरीके से हमारी बॉडी का वेट जो है वहीं पर पड़ रहा है. और जब हम लेट जाते हैं तो ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं. ज़्यादा एरिया कवर होने से हमारी बॉडी का वेट, जो फोर्स है, जो थ्रस्ट है, वो कम लग रहा है. ठीक है, उतना ज़्यादा हम एरिया कवर कर रहे हैं. ठीक है, ये क्लियर हुआ कि एरिया किस पर, थ्रस्ट किस पर डिपेंड करता है? इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, राइट. द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग. यानी जो थर्ड थ्रस्ट का जो इफेक्ट है कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है? जब हम खड़े होते हैं, है ना. क्यों? कम एरिया है, कम कॉन्टैक्ट है, ज़्यादा थ्रस्ट लग रहा है. और जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है उतना ज़्यादा, उतना कम थ्रस्ट लग रहा है. सो द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. यही थ्रस्ट जो हमारी बॉडी लगा रही है सरफेस पर, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेशर, है ना. तो थ्रस्ट और प्रेशर में क्या डिफरेंस हो गया? बोथ आर द फोर्स, बोथ आर द टाइप ऑफ फोर्स. लेकिन यहाँ पे थ्रस्ट को हमने क्या कहा? जो हमारी बॉडी जो एक वेट, एक फोर्स लगा रही है परपेंडिकुलरली. लेकिन द थ्रस्ट जिस एरिया पर डिपेंड करती है वो क्या कहलाता है? हमारा प्रेशर, है ना. तो यहाँ पे देखो, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. यानी प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. यानी एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा. ठीक है, प्रेशर उतना कम होगा. यानी प्रेशर इज परपेंडिकुलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम देखें तो थ्रस्ट है. यानी प्रेशर जितना ज़्यादा होगा थ्रस्ट भी उतना ज़्यादा होगा. ठीक है, लेकिन हम इसके टर्म्स में देखें, अगर हम ये देखें कि प्रेशर इज किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. एरिया जितना ज़्यादा है प्रेशर उतना कम लगेगा. ठीक है, प्रेशर जितना कम लगेगा थ्रस्ट उतना कम लगेगा, स्मॉलर विल बी द थ्रस्ट. और एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा. जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा थ्रस्ट लगेगा. ये दोनों केसेस में हमने देख लिया, जब हम स्टैंड करते हैं सैंड पे और जब हम लाई डाउन करते हैं. तो ये फॉर्मूले से हमने पता चल गया कि प्रेशर, थ्रस्ट एंड एरिया कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, राइट. तो यहाँ पे और देख लो इसको, ये देखो, प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. ये याद रखना, दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. वन विच इज थ्रस्ट एंड अदर इज एरिया. थ्रस्ट क्या है? वो फोर्स जो हमारी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर टू द सर्फेस लग रहा है. मोर फोर्स मोर प्रेशर. क्यों? बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थ्रस्ट, है ना. जितना ज़्यादा थ्रस्ट होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा. यानी मोर फोर्स मोर प्रेशर. एंड एरिया क्यों? क्योंकि एरिया, प्रेशर और एरिया में क्या रिलेशन है? जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना लेस प्रेशर होगा, बिकॉज प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. अब इसमें देखो, डायग्राम में भी है, सिंपल है. अगर हम इसको जूम करके देखें, बड़ा करके देखो, कि यहाँ पे वन लेडी इज स्टैंडिंग ऑन द इस सरफेस पे खड़ी है. जब उसके दोनों लेग्स जो है सरफेस पे टच कर रहे हैं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है. एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होने से क्या हो गया? उसका थ्रस्ट क्या हो गया? वो कम हो गया. थ्रस्ट कम यानी लेस प्रेशर, कम प्रेशर लगा रही है. और जैसे ही उस वो एक लेग पर खड़ी हुई है, सी हियर, जैसे वो एक लेग पर यहाँ पर खड़ी हुई है, उतना ज़्यादा जो है उसका जो है थ्रस्ट उस पर लग रहा है, किस उस सरफेस पर, है ना, वेट लग रहा है. वो प्रेशर उतना ज़्यादा लग रहा है. और क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि एक ही लेग का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट उस सरफेस पे कम है. तो कम एरिया है तो कम थ्रस्ट लग रहा है, यानी कम प्रेशर लग रहा है. और वैसे भी न्यूटन लॉ से हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं, है ना, जब हम अर्थ पर खड़े होते हैं, तो अर्थ भी जो है एक एक्शन रिएक्शन का हमारी अर्थ और हमारी बॉडी के बीच में या किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में होता है. तो वही यहाँ पर हो रहा है. एक इसको देखो, ये एक एग्जांपल है. ये जब हमने एक नेल जो है वो पॉइंटेड एंड है और एक जो है उसका ब्लंट एंड है, है ना, कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा बताओ? जहाँ पे, यहाँ पे जो ब्लंट एरिया है, यहाँ ऑब्वियसली कम प्रेशर लगेगा, कम थ्रस्ट लगेगा. क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू उसका पॉइंटेड नेल. उसका पॉइंटेड नेल जहाँ पर है वहाँ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है. एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है तो यानी थ्रस्ट भी ज़्यादा है,
थ्रस्ट ज़्यादा है यानी प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। इसको हम एक और एग्जांपल से आपको मैं ऐसे बताती हूँ कि हम किसी पेंसिल को या पेन को लेते हैं अपने थंब और अपनी फिंगर के बीच में, इंडेक्स फिंगर के बीच में लेते हैं, और अगर हम प्रेस करें तो हम देखते हैं जो हमारी फिंगर है वहाँ पे जो है एक डिप्रेशन आ जाता है, एक छेद सा बन जाता है, और जहाँ पर हमारे पेन का पीछे वाला बैकवर्ड साइड होता है वहाँ पर ज़्यादा बड़ा छेद बन जाता है, ज़्यादा बड़ा डिप्रेशन, एक होल बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पता है ना कि एक्शन रिएक्शन वाला, जब हम पेंसिल को प्रेस करते हैं दो थंब और फिंगर के बीच में, तो पेंसिल भी उतना ही फोर्स जितना हमारी स्किन पे, हमारी फिंगर पे लगा रही, फिंगर भी उतना फोर्स बैक टू द हमारे उस पर पेंसिल पर लगाएगी। तो जब हम देखते हैं, हम पेंसिल को हटाने के बाद देखते हैं कि हमारी फिंगर पर जो है एक स्मॉल डिप्रेशन आ गया है, जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा प्रेशर फील हुआ था, सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं थ्रस्ट फील हुआ था, है ना। और जब हम थंब को देखते हैं, थंब जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिप्रेशन था, ज़्यादा गैप होल बना था, वहाँ पे उसका बैकवर्ड साइड में, क्योंकि उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पैन का पीछे का ज़्यादा था, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होने से क्या हुआ, वहाँ पे हमारा थ्रस्ट कम लगा, यानी कम प्रेशर फील हुआ इन कंपैरिजन टू द फिंगर, राइट। तो यहाँ पर हमने थ्रस्ट एंड प्रेशर दोनों को समझा है। अब हम देख लेते हैं इसकी SI यूनिट क्या होती है। सब्स्टिट्यूटिंग द SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया, वी गेट द SI यूनिट ऑफ प्रेशर एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। यानी थ्रस्ट की और थ्रस्ट की जो है हमारी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, इस तरीके से। और जो ब्लेजी पास्कल, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको यूनिट प्रेशर की यूनिट को क्या कहा, पास्कल कहा। इट इज़ डिनोटेड एज पास्कल, स्मॉल पी स्मॉल ए, ये आएगा स्मॉल पी से, है ना, स्मॉल पी ए, दैट इज़ अ पास्कल विच इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो किसने दिया था पास्कल ये टर्म, हमारे साइंटिस्ट थे ब्लेजी पास्कल। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल, राइट। और थ्रस्ट की हमारी क्या थी, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। सो इस वीडियो में हमने थ्रस्ट एंड प्रेशर को अच्छे से स्टडी करा विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल। अभी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्यों जो है कैमल जो है रन पर, डेजर्ट पर इजीली रन कर लेता है, क्यों, क्योंकि उसके पैरों का जो है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है। आर्मी का टैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा वेट खींच सकता है, उसका जो क्या कहते हैं मतलब जो एरिया है उसका उतना ज़्यादा है उसका, क्यों, क्योंकि उतना ज़्यादा कम प्रेशर लगाना पड़ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही ट्रक और मोटर बस के जो टायर हैं वो क्यों वाइडर हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उतना कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, उतना कम थ्रस्ट लगेगा। सेम इज़ द केस विथ कटिंग टूल्स, जो हमारे नाइफ होते हैं उनमें भी क्या है कि जितना ज़्यादा, जितना कम एरिया होगा, जो शार्प होगा, उतना कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, उतना कम थ्रस्ट लगेगा, राइट। तो थ्रस्ट एंड प्रेशर, आई होप स्टूडेंट इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।